एक और न्यू ईयर की चल रही थी पार्टी, उस पर पालकी में सवार होकर एक नए मेहमान की महेश्वरी फैमिली में हुई एंट्री। हर कोई हैरान था ये जानने के लिए कि आखिर ये कौन है। तब तक रागिनी के गर्दन पर रख दी गई ये तेज धार वाली छुरी। जिस लक्ष्य को फूटी आंख भी नहीं भाती थी रागिनी, आज उसी ने उनकी जान बचाई। ये पूरा नजारा हमें तब देखने को मिला जब संस्कार और स्वरा के बीच पति पत्नी और वो का वॉर शुरू हुआ। पति पत्नी और वो वाली बात, पति पत्नी और वो, सच में समझ नहीं आया। मतलब जब ये कविता बोलता है तब जाके मुझे रियलाइज होता है कि ये तो वही कविता है जिसके बारे में एक बार संस्कार ने मुझे पर्सनली सब बताया था कि कैसे उससे बहुत प्यार करता था और सबके खिलाफ गया था, ये वो सब याद आता है। और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मतलब एक तरफ मैं सबको ऐसे भी दिखा रही हूँ कि हाँ नॉर्मल, मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, घुटन हो रही है, बट देन रिएक्ट कैसे करना है समझ नहीं आ रहा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो नया मेहमान इनके घर आया है वो कोई और नहीं बल्कि दुर्गा प्रसाद का पास्ट और संस्कार का पहला प्यार है। क्यों, चौंक गए ना? आप ही की तरह ये पूरा परिवार भी तब शॉक्ड हो गया जब इस मोहतरमा ने एंट्री की। बिल्कुल, ट्रैक ही कुछ ऐसा है। आई मीन संस्कार है जो ऑलरेडी मैरिड है और ये लड़की अपनी 3-4 साल पुरानी लाइफ में अटकी हुई है जहाँ वो एक कोमा में थी, तो वो बाहर आई है और उसको इतने सालों बाद संस्कार दिखा है एंड शी इज़ नॉट अवेयर कि उसकी शादी हो चुकी है। तो सब कुछ बहुत ही ट्रैजिक है, बहुत ही अजीब है इसके लिए एक्सेप्ट कर। वैसे आपको बता दें कि इन्हें यहाँ लाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद स्वरा थी, ताकि रागिनी और उनकी नानी माँ की सच्चाई लोगों के सामने आ सके। पर इस कहानी ने तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या संस्कार अपने और स्वरा के बीच चल रहे तनाव की वजह से अपना पहला प्यार यानी कि कविता का हाथ थामेंगे या फिर स्वरा को ही अपनाएंगे। ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ।